चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं जिनकी AIR 48 रैंक है, निखिल मित्तल, जो कि यूपी मेरठ से हैं। तो निखिल, सबसे पहले AIR 48 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर थैंक यू वेरी मच सर। इसमें सर सबसे पहले क्रेडिट तो मेरी फैमिली के पास सर, मैं आपको इम्पीटस गुरुकुल की टीम, प्रतीक सर, शिवम सर और सर आपको, जिन्होंने शायद हमसे ज़्यादा मेहनत तो सर आपने करी है पूरे बैच में। हमें केवल निम सर की पढ़ाई तो अलग चीज़ है सर, पर बीच बीच में मोटिवेशन और हमारे साथ साथ हमें कोई भी डाउट होता था आप हमेशा तैयार रहते थे मैसेज या कॉल जैसे भी कनेक्ट रहने के लिए। तो सर हमसे ज़्यादा मेहनत में मुझे लगता है कि आपने करी है और पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है सर इस चीज़ का। थैंक यू सो मच निखिल। मैं आपको बता दूं बच्चों कि निखिल का जो है फाइनल ईयर के साथ इन्होंने ये एग्जाम दिया था, और फाइनल ईयर के अभी सेमिस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं। इसी वजह से शायद ये अवार्ड सेरेमनी भी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पेपर हैं। तो निखिल, क्योंकि आपका फाइनल ईयर का एग्जाम था, आपने ऑनलाइन इतने अच्छे से घर पर रह के प्रिपरेशन की और पूरे प्रॉपर चीजों को फॉलो किया, तो मैं चाहूंगा कि आपकी सक्सेस जर्नी जो है वो आप बताएं कि आपने कब सोचा निम सेट को, फिर किस ढंग से पढ़ाई स्टार्ट की, वो सारी जर्नी मैं चाहूंगा बच्चों को बताएं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस स्टोरी उनको एक गाइडेंस देगी। तो सबसे पहले तो मैंने लगभग फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एमसेट की, क्योंकि मुझे लगभग सेकेंड सेमेस्टर में इसका पता लग गया था, पर मैंने स्टार्टिंग फिर भी फोर्थ सेमेस्टर से कर दी थी। तो मुझे लगता है कि इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला कि मैंने 1.5 साल लगभग इसमें मेहनत करी, तो लगभग 6 से 7 बार तो मैंने खुद ही अपने नोट्स पूरे रिवाइज कर लिए थे। और सेकेंड जो सबसे ज़रूरी मैंने मुझे लगता है मैंने करा वो मॉक टेस्ट तो अच्छे से दिए और उनका एनालिसिस पूरा एक रजिस्टर बना के हर एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा उसका पूरा सोल्यूशन देखना, आपके सोल्यूशन की वीडियो देखना, ये सब तो मैंने, ये दो मेन काम जो मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे से करे थे। बाकी वैसे मैंने सही बताऊँ तो मैंने बुक खरीदी तो थी बट उसे सोल्व ऐसे नहीं करा कि स्टार्टिंग में करी थी, स्टार्टिंग में थोड़ा शॉर्ट लग रहा था कि क्वेश्चन में देखने अच्छे से, बट फिर बाद में वो ऐसे ही रखी रही उसमें पूरी शेल्फ में। तो उसके बाद फिर पूरा मॉक टेस्ट मतलब अच्छे से देना कि पूरा टाइम लेके बैठना उसे बाद में पूरे दिन में एनालिसिस करना। और बाकी वैसे ऐसा नहीं था कि मैं जैसे लगभग दिन का 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहा हूँ ऐसा तो नहीं था, पर दिन का मेरा शेड्यूल था कि मुझे स्टार्टिंग में मैंने सुबह टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना करना है, ये मॉक टेस्ट देना है, इसका एनालिसिस करना है, तो वो तो पूरा करता था। तो मेनली घंटों के बेसिस पे ना जाके मैंने टॉपिक के बेसिस पे लिया कि मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए सर। बहुत अच्छी बात बोली निखिल। मैं हमेशा यही बोलता हूँ क्लास में कि आपका कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल सोने से पहले या अगले दिन सुबह उठ के सोचना है कि मुझे ये टारगेट का अचीव करना है, और जब हो जाए, जब आप फ्री हो जाओ, तो आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। अच्छा ये बताइए, आप कॉलेज भी जाते होंगे, कॉलेज की पढ़ाई भी, सेमिस्टर की पढ़ाई भी, नीम सेट की पढ़ाई भी, कई बच्चे इसको लेके बड़े टेंस हो जाते हैं, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? सर कॉलेज की पढ़ाई तो थी, वैसे बीच में एग्जाम भी आते रहते थे, तो वही रहा मेरा शेड्यूल बनाना कि स्टार्टिंग में मुझे कम से कम इतनी देर कॉलेज की पढ़ाई को भी देना है क्योंकि वो भी जरूरी थी। तो हर बार सुबह को वही शेड्यूल बनाना मेरा, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे उससे रहा क्योंकि स्टार्टिंग में आईडिया क्लियर हो जाता है कि मुझे इतनी देर कॉलेज का करना ही करना है, इतनी देर निमसेट का ही करना है, तो उससे मैं सब कुछ सही रहा वैसे। और आपके वीडियो से तो काफ़ी मेहनत मिली, मदद मिली। अच्छा, अब आप जब टेस्ट पेपर देते थे, स्टडी मटेरियल रहता था, तो टेस्ट पेपर देने के बाद जो आपके स्कोर आते थे, पेपर एनालिसिस, वो आप किस तरह से करते थे निखिल? सर सबसे पहले तो जैसे टेस्ट मैंने दे दिया उसके बाद ना मैं टेस्ट वापस क्वेश्चन खोल के पूरा रजिस्टर अपना खोल के उसमें सबसे पहले देखना कि जैसे टॉपर के इतने मार्क्स आए हैं और मेरे क्रम क्यों रह गए, और मेनली देखना कि जो मेरे गलत जाते थे, ज़्यादा मेरे गलत जाते थे कैलकुलेशन के मिस्टेक किए जैसे, तो उसे सुधारना, थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा देना मैथ में, तो पूरा रजिस्टर प्रॉपर बनाना कि उसके जो जो मेरे क्वेश्चन गलत रहे हैं या अनअटेम्प्ट रहे हैं उन्हें पूरा क्वेश्चन को उतार के उसे सोल्यूशन लिखता था मैं, और बस यही सब। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो स्पेशली सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, उनके लिए आप क्या कहोगे? सर सबसे पहला मैसेज मुझे यही है कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो सिलेबस पूरा करना और उसे अपने अपने नोट्स बनाना, उसमें ऐसा नहीं करना कि आपने वीडियो देख लियो फिर सोचो कि रिवाइज के टाइम पे हम दोबारा से वीडियो देख लेंगे वो रिवाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अपने नोट्स बना के अपने नोट्स से रिविजन करना। और सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट तो जरूर देना है, अच्छे से देना है, बहुत उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, पूरा एक हो सके तो रजिस्टर पूरा बनाना अलग से और पूरा उस पर एनालिसिस रखना ये सब। बिल्कुल सही बात बोली निखिल, कि कई बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं बाद में, जैसे आप ऑनलाइन क्लास करते थे, आपने उसी समय अपना नोट्स बना लिए, बाद के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ा,
टेस्ट पेपर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चे टेस्ट उस समय नहीं देते जब हो रहे होते हैं, वो सोचते हैं चलो एक बार पहले सिलेबस कर लें, तो ये नहीं करना है। तो निखिल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत जल्दी भोपाल आएंगे मेरे पास अवार्ड के लिए जी भी। सर, तो अब आप ऐसे ही आगे बढ़िए और ऐसे ही सक्सेसफुल रहिए, क्योंकि आपको मेहनत करने की आदत तो है ही, और आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो ऐसे ही अब आप जिस भी एनआईटी में जाओगे, त्रिची सूरतकल जो भी एनआईटी आपने ड्रीम लिया वो आप जाओगे, वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करो और आगे बढ़ो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।